कान में मोबाइल लगाए आइएगा। और बोलिए, कुछ पूछेंगी माँ? बस सब सुख शांति बन। इसके बाद दरबार के क्रम में अगली आज्ञा, पुष्पा नाम की बहन जी की आज्ञा लगी है। पुष्पा नाम की बहन जी, हाँ आ जाइए, जो दुपट्टा नीले जैसा डाले, हाँ हाँ पीले रंग का सूट पहने हुए, आइए। माइक ले लें आप। सीताराम। सीताराम कहाँ से हैं बहन? भोपाल से। अरे भोपाल से आई हैं जी। गुरुजी सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, हमने लिखा, आप नजदीक आओ, इनसे जो भी आपको उत्तर पाना हो बोलो। इसे हम रोज बोलते हैं। प्रश्न करो। एक तो ये कि हम इनके चरणों में जगह चाहते हैं। जी बहन। और पति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। क्या हो गया उनको बहन? वो 4-5 साल से अलग अलग बीमारियों से परेशान है। अभी पैरों में बहुत कष्ट है। बालाजी ने बहुत जीवन में परिवर्तन लाया, उन्होंने जीवन को जीने लायक बनाया और अब काफी आराम है। हम पूर्ण आराम चाहते हैं, आशीर्वाद। परिवार में सुख शांति, पति के पैर में दिक्कत बनी हुई है, सन 2017 से बीमार लगातार हैं, एक न एक समस्या। बालाजी को आप भाई मित्र पिता रूप में मानती हैं एवं बालाजी की भक्ति को पाना चाहती हैं। नंबर दो, बीच बीच में घर में एक न एक को तबीयत खराब लगातार बनी हुई है, पैर की पीड़ा पति की ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी, बच्चों के लिए भी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। पर आप रोज बालाजी को सुनाती नहीं? भक्ति खूब करो और एक ना एक को यह स्वास्थ्य की दिक्कत का कारण बता रहे हैं। आप जहां निवास करते हैं, निवास स्थान पर दिक्कत है, यहां पर नकारात्मक ऊर्जा है और इस नकारात्मक ऊर्जा को गाढ़ा गया है, इसी कारण से यह दिक्कत बनी हुई है। तो आप भोपाल की नहीं हैं? हाँ, कोई हनुमान जी महाराज का वहां भी स्थान है, छींद वाले हनुमान जी बरेली के पास। जी, छींद वाले हनुमान जी। जी जी गुरु जी। तो वहां पर आपका एक पुराना मकान आ रहा है हमारी जान में, ससुराल में। हाँ, ससुराल में। अब आप यहाँ रहने लगे हैं। जी जी। तो जो पुराना मकान है वहां से ये पूरी समस्या प्रारंभ हुई है। गुरु जी, जो हमारे जेठ हैं उनके दोनों बालकों को भी बहुत समस्या है, सिर पे कुछ शरीर भारी हो जाना, ये सब। हमने उनके लिए वही लिखा जो घर छोड़ दिया है, ये लिखा, भोपाल नहीं बरेली जिले में छिंद के पास में इनका निवास है, घर छोड़ दिया है। जेठ के बच्चों के सिर में दिक्कत, तनाव बनना, भूत की सवारी आना, शरीर कंपन हो जाना, जी जी जी, ये उनको भी बनती है। हाँ। तो जो पुराना मकान है, पुराने मकान से ये दिक्कत आ रही है। हमारे पास जो डिटेल मकान की आई है, आगे चल एक खंबा इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट वाला आगे लगा हुआ है, उसके पीछे में दो कमरों के स्थान का सामने में फ्रंट है। हाँ। इसके बाद फिर थोड़ा सा खुला हुआ मैदान है और आगे फिर कमरे बने हुए हैं, उसमें एक अलमारी में पूजा रखी हुई है। अलमारी तीन है हमारी डिटेल में, एक में पूजा रखी हुई है, पूजा के नीचे वहां पर वर्तमान में चटाई रखी हुई है, वहीं चटाई के कोने में गौ के गोबर से देवी माता का स्थान बना हुआ है जिसे मैर देवता कहते हैं। हाँ। वहीं से दिक्कत प्रारंभ है। अच्छा जी गुरु जी, क्या करना है? घर छोड़ देना चाहिए? नो, मकान छोड़ना उपाय नहीं है। हाँ हाँ, दो वहीं पर जो दो 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 अलमारी है उसी में एक में गंगाजली की अभी कंट्री रखी है जी, सफेद जी,
और उन्होंने बंधन भी करवाया है, उस मकान में पूजा हुई है, अच्छा, उपाय हुए हैं, अभी पिछले समय हवन हुआ है जी गुरुजी, आप लोग भी उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, नहीं। आप लोग नहीं जा पाए, सम्मिलित नहीं, उन्होंने हवन करवाया इसकी जानकारी आपको है जी, अभी उन्होंने हवन करवाया, लेकिन उससे कोई भी उपाय नहीं निकला, ये हवन किसी के कहने पर करवाया, और ये आपके जो पुराना स्थान है वहां पर ये जो योगनी शक्ति है, योगनी शक्ति के कारण पूरे परिवार में उठा पटक है, लाल रंग का झंडा गाड़ दीजिए वहां पर, आपको मकान नहीं छोड़ना है, ये गंदी शक्ति मकान छोड़ देगी, जाओ, हमने कह दिया जी गुरुजी, तो आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी पूरे परिवार पर। क्या ये जो डिटेल है एकदम सही जी गुरुजी? बिल्कुल बात एकदम सही जी, बिल्कुल सही। कोई संदेह है बहन? नहीं, नहीं, नहीं। चलो बहन जी, जय सियाराम। पढ़े लिखे लोग जो भी हैं तो